बड़ी खबर आ रही देश में दलहन की खेती करने वाले किसानों के लिए। देश में दाल के कम होते स्टॉक को बढ़ाने के लिए सरकार तुअर और मसूर दाल पर किसानों के लिए कर सकती है बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि सरकार ने मिनिमम एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट प्राइस यानी कि एमएपीपी या डायनेमिक बफर प्रोक्योरमेंट प्राइस डीबीपीपी जो भी अधिक हो किसानों से सीधे 4 लाख टन तुअर और 2 लाख टन मसूर दाल खरीदने की योजना बनाई है। एमएपीपी एक जिले में पिछले 3 कारोबारी दिनों का वेटेड एवरेज प्राइस है जबकि डीबीपीपी खरीद के दिन 3 पिछले दिनों और 3 बाद के कारोबारी दिनों का वेटेड एवरेज प्राइस है। सरकार ने ये कदम तुअर और कुछ अन्य दालों के कम उत्पादन के कारण बाजार कीमतों में बढ़ोतरी के कारण सरकारी बफर स्टॉक में गिरावट के कारण उठाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के हिस्से के रूप में इन दोनों दालों की खरीद नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि नाफेड और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NCCF द्वारा सीधे प्री रजिस्टर्ड किसानों से की जाएगी। अब तक दोनों एजेंसियों ने लगभग 8,000 टन तुअर की खरीद की है। मसूर की खरीदी इसी माह शुरू होने वाली है। जनवरी में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक मल्टीलिंगुअल इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल eSamrikhi.in लॉन्च किया था जिसके माध्यम से किसान 2 सरकारी खरीदी एजेंसियों को तुअर दाल बेच सकते हैं। फसल वर्ष 2023-24 जुलाई जून में तुअर का उत्पादन भी कमजोर मॉनसून के कारण गिरने की आशंका है। कृषि मंत्रालय इसे पिछले वर्ष के उत्पादन के बराबर ही आंका है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे किसान तक।